से अगले कॉलर हैं कर्नल वर्मा जी, स्वागत है आपका। नमस्कार मैडम। नमस्कार, बोलिए। हकीम साहब अस्सलाम वालेकुम। जय हिंद सर। कर्नल साहब अक्सर बात ना, होती है आपसे। ना मेरी तो इच्छा होती कि रूबरू बात करूं कभी। कभी कभी दिल्ली तशरीफ लाइए कर्नल साहब। जी और कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, आप बताइए कैसा है परिवार? बस आपके हाथ दुआ है और अल्लाह का करम है। बताइए। मैंने एक एक शख्स जो है जिनका ऑपरेशन हुआ था 2017 में, तो उनको गिठान थी कैंसर की, एक कैंसर की गिठान थी, दूसरी नहीं थी, तीसरी कैंसर की थी, चौथी नहीं थी, और स्किन का कैंसर था उनको। ठीक है। और इलाज मुकम्मल हो गया, वाला आने वाले वक्त में कभी ऐसा नहीं आया तो उसके लिए कोई एहतियात बरतने के लिए कोई दवा नुस्खा बता दें आप। हाँ देखिए, आप सेवा भी करते हैं, दूसरे शख्स के लिए फ़ोन कर रहे हैं और तकलीफ़ उठा रहे हैं, ऐसे लोग बहुत अच्छे होते हैं। अच्छा देखिए, एनिमल फैट से बचें जितना भी हो सके, और जैतून का तेल इस्तेमाल किया करें ये साहब, अगर इनके हालात हैं ऐसे कि जैतून का तेल इस्तेमाल करते हैं, ऑलिव ऑयल जिसे कहते हैं, इसको इस्तेमाल किया करें, ये इसमें वो शक्ति है कि कैंसर से लड़ने की शक्ति। और एक चुटकी सुबह एक चुटकी शाम, ये चुटकी है कर्नल साहब, सुबह शाम घर की पिसी हुई हल्दी खाया करें, ये एहतियात है। और मुमकिन हो तो जैतून का सिरका 2 चम्मच रोज़ पिया करें, जैतून का सिरका। जैतून का ऑयल अलग बात है, जैतून का सिरका अलग बात है, रोज़ाना 2 चम्मच पानी मिला के ज़रूर पिया करें। मुझे उम्मीद है कि ये हमेशा इस रोग से सुरक्षित रह सकते हैं।